हेलो जी, तो कमेंट आपने देख लिया है। एक भाई का कमेंट आया था और मुझे भी लेनी थी जैकेट एक। और क्योंकि मेरी वो जो पहली फर्स्ट व्लॉग की जो वो थी अपर टाइप, वो मुझे बड़ी अच्छी थी। वो 3,000 रुपये की थी, वो आउटफिटर्स की थी। और वो उसके सीन तो मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा अभी। तो अब मुझे जाना था जैकेट लेने। अब मेरे पास 3 चॉइस थी, एक आउटफिटर्स, एक लिवाइस जिसे मैं लेता हूँ, और एक फ्यूरर। तो ये 3 चॉइस थी। और इनकी जब मैंने देखे प्राइस, तो उनकी थी ब्लू डेनिम जैकेट, उसके प्राइस थे तकरीबन 10,000 रुपये। 10,000 की इन्होंने लॉन्च करी थी। उसके बाद 40% ऑफ चला उनका, उस पर 7,500 रुपये शायद लग गए थे। 7,500 रुपये, 10 से 7, 7 लगा लो, नहीं 7,500 लगा लो। उसके बाद दूसरी थी ऑप्शन मेरे पास आउटफिटर्स, जिसकी मेरे प्राइस तकरीबन 7,000 रुपये, तकरीबन 7,500 रुपये उन्होंने लगाए थे। उसके बाद जो कट हुए थे प्राइस 20% सॉरी 25% ऑफ था उनके में, वो जा रहे थे 4,500 रुपये, मतलब 5,000 रुपये रख लो। उसके बाद तीसरी जो थी मेरे पास वो थी फ्यूरर, जिसकी प्राइस यही थे उसकी, ना फ्यूरर की थी डेनिम, नहीं डेनिम नहीं थी, लेदर जैकेट थी ब्लू कलर की, उसके अंदर वुड जो अंदर होती है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और उसकी प्राइस 7,500 रुपये थी और 5,000 रुपये हो रहे थे कट में। उसके बाद मैं गया लेने, और ये तीन थी मेरे चॉइस, और एक आगे भाई की चॉइस जो मैंने जो मुझे पसंद थी। मेरा ए सी वाला मिले तो ए सी लूँगा मैं, तो अब बहुत लंबी होगी तो मैं वहीं जाऊँगा। अभी अलियान को लेना है, अलियान को लेने के बाद हम जाएंगे भाई के पास ऑफिस, फिर तो उसको लेंगे, वहीं से वहीं हम निकल जाएंगे लेने। अब एक हाथ मारूंगा ट्रांजिशन लेगी, और अब मैं फिर मैं इधर आके दिखाऊंगा कि कौन से मैंने लिए। मैं डायरेक्ट षष्ठी के साथ आऊंगा संडे को, आज रात हो रही हफ्ते की 6:30 बजे, और हमें बस निकलना है क्योंकि वो दुकान पे वहाँ रश होता है बहुत। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। बाकी फिर मैं लंबी करूँगा, ओवर एक्टिंग में बहुत करता हूँ और लंबी तो मैं बहुत ही करता हूँ। चले फिर मिलेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। Keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. हेलो जी, सलाम वालेकुम, मैं तलेबे खई। तो यार आज का सीन ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आगे बढ़ना आ जाओगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ, और आने वाले 1,000 ब्लॉग में जितने भी आएंगे, 1,000 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने भी आएंगे, उसमें मैं कहता हूँ कि यार महंगे कपड़ों से कुछ नहीं होता। वो बहुत नीचे दरकते यार, महंगे कपड़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि देखें वाकई महंगे कपड़ों से कुछ नहीं होता। अब मेरी चॉइस ये है, ऐसे हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे दिखाएंगे तो आपको पता कुछ नहीं चलेगा, और हम थोड़ा शश के साथ दिखाएंगे। तो आप रुकिए, इसमें दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट सिनेमेटिक्स एंड पिक्चर्स वगैरह लेंगे बस। भारी भर ठीक है, सिनेमेटिक्स। Take it all back, hate the things that you said. Cause I wish you didn't mean it. Under attack, running far, far away. And I'd rather keep my distance from you. You don't gotta lie to me to get through. Push and pull me off into the deep. And let's pretend that nothing ever happened on that night.
तो यार मैं अभी निकल रहा घर से, ओहो ओहो अभी ये क्या कलर ग्रेड का मतलब मसला ही नहीं इधर। हाँ तो मैं घर से निकल रहा था, मैंने नहा लिया था क्योंकि यू नो हम रोज नहाते हैं नहीं यार साथ, तो मैं नहा लिया और उसके बाद जब आ रहा तो हवा और मेरी जंग हो गई, मेरी नाक की और हवा की जंग हुई। अब दो आपस में टकरा रही हैं, उसका पलड़ा भारी था वो जीत गया, उसने मेरे ना नज़लक सा कर दिया, मतलब अब गया मैं, होगी तबीयत मेरी ख़राब पहले से बता रहा हूँ। अच्छा बैठ जाते मैं आपको बात बताता हूँ, आपने सिनेमेटिक मैंने देख लिए होंगे, अरे अल्लाह आपने सिनेमेटिक्स देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं पसंद आए होंगे आपके हमारे सिनेमेटिक्स भी पढ़ना ड्यूट जल्दी काम करो ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब कितने का है, मेरी चॉइस क्या थी और मैंने कितने के लिए, ठीक है। तो ये जो ये जैकेट दिख रही है डेनिम, ब्लू डेनिम होती है, फटी फटी मैंने बोला था और फाड़ सकते हो फाड़ो। अच्छा तो इसके प्राइस हैं 2000, या 2000 2000 रुपये की है ये जैकेट। तो इसके बाद ये जो अंदर हुड पहनी हुई मैंने, ये वाइट कलर की है, ओह ये है 500 ओनली ओनली लगाते हैं आगे। तो ये दोनों हो गई 2500 रुपीज़ की है ना, बोलते बोलते कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो यार अब मैंने देखी थी लिवाइस पे, लिवाइस ले लो, हाँ लिवाइस मैंने देखी थी ऐसी ही थी डेनिम, मैंने आपको ये तस्वीर चलाई हुई अभी भी चला देता हूँ। उसके अंदर बस क्या सीन है कि अंदर है रेड हुड और मैंने लिए वाइट। अब मैं भी रेड ले सकता था पर मुझे दिल नहीं करा, वाइट मुझे दिल कर रहा था। अब जो मुझे दिल कर रहा था वो दिल कर रहा था वाइट लेने का, मेरे दिल की मैंने सुन ली, अरे दिल की बस नहीं वो दिल सुन ले। तो मैं रेड भी ले सकता हूँ, एक और लेनी है मुझे, अब मैं रेड लूँगा मैं ब्लैक लूँगा। तो उसके बाद बताने का मकसद ये है ना यार कि आप अब देखो भाई, उसकी लिवाइस की थी 10000 रुपये की जैकेट, जब उन्होंने यार लॉन्च करी थी ना 10000 रुपये की करी थी। अब एक आम बंदे की सैलरी होती है 10000 रुपये होती है, अब वो कि एक जैकेट लेने जाएगा वह ख़त्म। तो ये जो लोकल ब्रांड्स हैं ना ये सारे ऐसे ऊपर गए थप करके जस्ट बिकॉज ऑफ डिफेंस वाले बंदे ये लोग लेते आते हैं वो सर पे चढ़ गए। तो जब से अब सेल लगी उनमें, हाँ 50% सेल लगी, नहीं 40 उस पर हुई इनकी प्राइस कट करके 7000 रुपये। तो क्या यार नहीं लेना मुझे, मैं इसमें सही हूँ। तो मुझे अच्छी लग रही है सब और मुझे लगा तुम्हें भी अच्छी लग रही होगी उम्मीद है। बस अब और पिक्चर्स लेंगे फिर हम घर की तरफ चलते हैं। और हाँ जाते हुए ये तो चश्मा लेना ज़रूर आप जब काम वाम कर लेना, मैं कार्ड दे दूँगा उस लड़के की जिससे मैंने डेनिम लिए, तो ज़्यादा चश्मा ज़रूर ले लीजिएगा ये कलर वाला, ये सिर्फ 100 रुपये का ही, इसके लिए तो पठान बेस्ट है। 100 से ऊपर नहीं लेते, पर ये 150 का है, 150 का 120 का है, 150 का 150 ओनली। मिलते हैं अभी, लंबी कर देता हूँ ज़्यादा, क्या करें बोलते आते तो हमारे को हमारी ज़बान पे काबू सा नहीं रहता, अपने दिल की भावनाएं हम कह देते हैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोल रहा, अब जाऊँगा मैं डोमिनो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल तो यार फिलहाल आप इसको देखें, ऐसा पूरा कलर ग्रेड दिख रहा है इसमें, एडिटिंग कर दिया मैंने। हाँ तो भाई मेरी पूरा व्लॉग बन गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब घर पे बात करेंगे बाकी। उसके अलावा क्या सीन है कि यार मैं पूरा व्लॉग तो तैयार हो गया हमारा, अब मेरे को पता नहीं चला टाइटल क्या डालूँगा, थंबनेल तो बहुत पड़े हैं, टाइटल नहीं पता क्या डालूँगा। तो खैर थंबनेल से मुझे एक बात याद आ रही है कि मैंने ईद का व्लॉग बनाया था काफ़ी पहले, मैं आई बटन दे दूँगा अभी, तो उस पर मैंने ना मूवमेंट लिखा था और मूवमेंट होता है फैन मूवमेंट। तो यार देखो ना अब मैं एडिट करता हूँ थंबनेल, तो मोबाइल में मैं एडिट करता हूँ थंबनेल, तो वो ऑटो करेक्शन से ना वो अपनी तरफ से मार देता है करेक्ट करके। तो मैंने वो ही करा था, फिर मैंने थंबनेल लेके अपने कंप्यूटर में लेके मैंने मोबाइल अपलोड करने लगा वीडियो, तो मेरे को पता लगा ये तो मूवमेंट लिखा हुआ, मैंने मूवमेंट लिखना था। तो अब इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि यार मैं उसको चेंज करूँ, मैंने फिर अपलोड कर दिया, उसी वक्त मैंने लिख दिया था डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होती है डिस्क्राइब करने की होती है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था और लिंक दिए थे लिखा था। तो यार भाई दराना समथिंग भाई दराना ही होता है ना,
بھائی درانا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ڈسکرپشن پڑھ لیا کریں سوری فار انٹرپٹنگ بولنے سے پہلے، شکریہ. این نوازش ہوگی، الف با جیم ڈال، الف با جیم تو صرف ٹھیک بائی دی وے سوری فار انٹرپٹنگ. ہاں تو یار سارا کام ہمارا ہو گیا اور ہم بس نکلنے والے ہیں. یہاں پر ہمارے سپر اسٹارس، جس کے آپ جانتے ہیں فیریل ہال کس وجہ سے مشہور ہے، ٹک ٹاکر کی وجہ سے. تو یہاں پہ سارے ٹک ٹاکرس آ چکے ہیں اور ہمیں دستی بھاگنا پڑے گا یہاں سے، کیونکہ ہم بھی ان میں انوالو ہو رہے ہیں لگ رہا ہے. تو ہمیں بس یہاں نکلنا پڑے گا. سارے ٹک ٹاکرس بھر چکے ہیں ادھر ادھر، اتنی صبح صبح جاتے ہیں. ہارڈ ورک، ہارڈ ورک، تیری محنت ابھی رنگ لائے گی، تیری جرت چٹانا. تو اس کے علاوہ یار میں پھر بولتا ہوں، میں نے اب آپ کو سب دکھا دیا کہ یہ لیوائز، یہ فیورر اور یہ آؤٹ فٹرس. سو گائز، اور یہ ہے تلا کی چوائس. تو اب آپ کی مرضی، آپ آؤٹ فٹرس پہ جائیں، لیوائز پہ جائیں، فیورر میں منع نہیں کر رہا. برانڈس اچھے ہیں ماشاء اللہ، میں پہنتا ہوں، آپ پہنیں. اور ایک ہاتھ پہ لے کے یار، تو اب آپ یا آپ تلا بھائی کے پاس آئیں بس. اچھا ہاں، میں اس کی کیا نام ہے ایڈریس آپ کو دے دوں گا. ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ یار کمنٹ آیا تھا کہ جیکٹ پہ ویڈیو بنا رہا. میں جیکٹ پہ ویڈیو میں نے بنائی نہیں، پر یہ میں بتا دیا میں نے آپ کو. اب یہ میری جیکٹ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا ایڈریس دے دوں گا فل، اور فون نمبر دے دوں گا تو آپ فون کر دیں. 2000 کی میں لی تھی، اور باقی آپ اگر اپنی والدہ کو لے کے جائیں گے تو وہ 500 کی مل سکتی ہے. میں نہیں لے کے گیا تھا، پتہ نہیں کیوں لے آتا، اچھی بات تھی. خیر گھر پہ کے بات کرتے ہیں اب، ہمیں یہاں نکلنا چاہیے کیونکہ سانس نہیں لی جائے گی ہمیں یہاں سے پھر. تو یار میں آ گیا ہوں، اور میں نے آپ کو تین چوائس بتائی تھی کہ یار میری یہ فیورر، ڈینیز لیوائز اور آؤٹ فٹرس، اور جو چوتھی تھی وہ میری اپنی تھی جو میں ابھی پہنا ہوں. اب آپ کی مرضی آپ کون سی لیتے ہیں. دیکھیں یہ یہاں پہ چل رہی ہے ڈینیز لیوائز کی، جو کہ میں لینے جا رہا تھا. مجھے اچھی لگی تھی ڈینیز لیوائز کی ڈینم بلو، اور میں یہ بالکل وہی ہے، بالکل سیم، کوئی فرق مجھے نہیں لگتا فرق کوئی ہے. تو اب یہ صرف آپ کا بھائی پورے جو بنا ہوا ہے، یہ صرف 2500 میں بنا ہوا ہے. 2500 باقی نہیں، 2500 نہیں، 650 روپیز. یہ اس گائے تنڈے کو ہم نہیں بھول سکتے. یہ تو میں بولا آپ پٹھان سے لوگ، ان کا لیول ہی الگ ہے، نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں وہ، ایک ایک نمبر. تو یار اس کی جو میں نے یہ فالٹ کری ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی تھیں آپ لوگ جانتے ہوں گے ویسے تو. ایک آپ جو ہوڈ ہے اس کو باہر نکال کے اس کو یوں فولڈ کرو اس کے ساتھ، وہ بھی اچھا لگتا ہے. اور ایک پوری کھولے رکھو وہ بھی اچھا لگتا ہے. مجھے یہ اچھا لگا تھا، مجھے یہ اچھا لگا تھا، مجھے یہ اچھا لگا تھا. تو بس لمبی سے پہلے ہم ختم کرتے ہیں ویڈیو کو. اچھا ایک اور بات، اسٹیکرس، یہ میرے بھائی کا کوئی دوست تھا اس نے مجھے دیے تھے، اور بھائی اسے لے کے آیا تھا. اب یہ جیکٹ جو اپنی جیکٹ ہے ہماری ڈینم بلو، یہ ایسی نہیں رہے گی، اس کو ہم 10,000 روپے کنورٹ کر کے رہیں گے انشاء. یہ اگلی، یہ مکھی تنگ کر دیا مجھے، کرنے دو کرنے دو، یہ آخری بات ہے ہم جا رہے ہیں پھر ویسے بھی. تو اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے اپنی، یہ لگا دیں گے اسٹیکرس. تو اب یہ اگلی ویڈیو آپ کو پتہ چلے گا، تو اگلی ویڈیو انتظار کریں، بہت جلد آئے گی وہ ویڈیو، کیونکہ اس کے لیے ہمیں کہیں پاپٹ نہیں بیلنے پڑیں گے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ٹل دی اینڈ. اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت. اور یہ دیا کہ بھائی کی چوائس. مکی تنگ کر دیے بار بار کٹ کرو سب نام.